एक जंगल में प्यारी सी टूनी चिड़िया अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। बच्चों का पापा चिंकू चिड़ा खाना लेने गया हुआ था। मामा, पापा खाना लेकर कब आएंगे? मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे पापा आने ही वाले होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे वो आज बहुत दूर चले गए हैं खाने की तलाश में। अच्छा मामा, क्या हमारे पापा थकते नहीं हैं इतने उड़ते उड़ते? सारा दिन खाने की तलाश करते रहते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं। वो थक तो जाते हैं लेकिन हमें बताते नहीं हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार जो करते हैं। वो सब अपने घोंसले में बैठकर ऐसे बातें कर रहे थे। उधर चिंकू चिड़ा अपने बच्चों के लिए कुछ फल लेकर घर वापस जा रहा था कि रास्ते में कौवा और कौवी उसे देख लेते हैं। कौवा कहता है, अरे कौवी, उस चिड़े को देखो, कितने मजे मजे के फल लेकर जा रहा है। चलो उसके वो फल छीनते हैं और अपनी पेट पूजा करते हैं। कालू कौवे, बात तो तुम्हारी ठीक है, वो चिड़ा अकेला है और हमें कोई देख भी नहीं रहा। चलो हम उससे वो फल छीन लेते हैं। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी चिंकू चिड़ा का पीछा करने लगे और थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने चिंकू चिड़ा को रोक लिया। कालू कौवे, क्या बात है, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? मुझे जल्दी से घर जाना है, मेरे बच्चे भूख के मारे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे कौवी, ये तो टूनी चिड़िया का पति है ना? हाँ हाँ, मैं ही टूनी चिड़िया का पति हूँ, लेकिन अब मुझे जाने दो, मुझे जल्दी से घर जाना है। मुझे जल्दी घर पहुँचना है क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। भूखे तो हम भी बहुत हैं, लाओ जरा दिखाओ तो ये फल मीठे भी हैं कि नहीं। और फिर कौवा और कौवी चिंकू चिड़े से वो फल छीनने लगते हैं। पीछे हो जाओ चालाक कौवे, ये फल मेरे बच्चों के लिए हैं, मैं ये कभी भी तुम्हें नहीं दूंगा। हम फल ले नहीं रहे, हम तो फल छीन रहे हैं। और फिर कालू कौवा चिंकू चिड़े को मारने लगता है और कौवी फल उठाकर वहां से भाग जाती है। मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, अगर तुम आसानी से फल दे देते तो मार से भी बच जाते। चिंकू चिड़ा कुछ कहे बगैर वहां से उड़ जाता है और वो अपनी खाली चोंच लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। पापा आ गए, हमारे प्यारे पापा आ गए। लेकिन पापा, आपके पास तो भोजन ही नहीं है, क्या आप हमारे लिए भोजन नहीं लेकर आए? अरे ये क्या हुआ, आपके पंख पर तो गहरी चोट आई है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैं फल लेकर घर की तरफ वापिस आ रहा था कि रास्ते में दो कौवों ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने के साथ साथ मेरे सारे फल भी छीन कर ले गए। आप ठीक तो है ना, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हमारे बच्चे आज भूखे ही रह जाएंगे और अब तो शाम भी होने वाली है। आप चिंता ना करें, आप बच्चों के पास बैठे, मैं कुछ खोज कर ले आती हूँ खाने के लिए। नहीं टूनी चिड़िया, तुम यहाँ ही रुको, मैं दोबारा से जाता हूँ, और मैं तो जाने ही वाला था, मैंने सोचा मैं तुम्हें बताता जाऊँ। आप जिद ना करें, मैं ही जाती हूँ भोजन लेने, और वैसे भी बच्चों के भोजन का जिम्मा हम दोनों का है, अकेले आपका नहीं। मैं भी तो भोजन ला सकती हूँ, और वैसे भी आपका पंख जख्मी है, आप बच्चों के पास ही बैठें, मैं भोजन ले आती हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाने की खोज में निकल जाती है। पापा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों के तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, बस थोड़ा और सब्र करो, तुम्हारी माँ जल्दी भोजन लेकर आने वाली है, और हाँ तब तक तुम दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और सो जाओ। पापा, हमें खाली पेट नींद नहीं आती। चिंकू चिड़ा अपने बच्चों की ये बात सुनकर खामोश हो गया, लेकिन वो बहुत दुखी था। और उधर टूनी चिड़िया भोजन ढूंढते ढूंढते घर से काफ़ी दूर चली जाती है, लेकिन उसे तो अभी तक कोई भी दाना नहीं मिला था और शाम भी होने वाली थी, इसीलिए जो दाने जंगल में सुबह गिरे हुए थे वो दूसरे सारे पक्षी उठाकर ले गए थे। आखिर टूनी चिड़िया थक हार कर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाती है। अरे जालिम कौवो, तुम क्या जानो कि जब मामा पापा के बच्चे भूखे होते हैं तो मामा पापा पर क्या बीतती है? हमारे बच्चे सुबह से भूखे हैं और तुम जालिमों ने हमारे बच्चों का भोजन छीन लिया। और फिर देखते ही देखते आसमान पर गहरे बादल छाने लगे और बादल जोर जोर से बोलने लगे, अरे ये कैसा इम्तिहान आ पड़ा है आज हम पर, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, लगता है कुछ ही देर में तेज़ आसमानी बारिश होने वाली है। मैं हार गई, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन ना ढूंढ सकी, लगता है आज हमारे बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। मीनू चिड़िया घर वापस जाने ही वाली थी कि तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया अपने आसपास देखने लगती है
वो कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी जहां वो कुछ देर के लिए इस तेज तूफानी बारिश से बच सके, क्योंकि वो इतनी तेज बारिश में अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। अचानक से मीनू चिड़िया की नज़र सामने एक गुफा पर पड़ती है और वो फौरन से उस गुफा के अंदर जाने लगती है। जैसे ही मीनू चिड़िया उस गुफा के अंदर गई, वहाँ एक तोता जादुई टोपी पहनकर बैठा हुआ था। अरे चिड़िया, तुम इतनी तेज तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरे पति से जालिम कौओं ने मेरे बच्चों का भोजन छीन लिया और उन्होंने मेरे पति को मार मार कर उनका पंख भी जख्मी कर दिया। हमारे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं, इसलिए मैं भोजन की तलाश में यहाँ तक पहुँच गई और फिर देखते ही देखते ये तूफानी बारिश शुरू हो गई। चिड़िया, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ। मेरे पास बहुत सारा भोजन है, तुम यहाँ से कुछ भोजन अपने बच्चों के लिए ले जाओ। तुम्हारे बच्चे बहुत भूखे होंगे और तुम्हारा ही इंतजार कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस जैसे ही बारिश थोड़ी कम होती है तो मैं भोजन लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। मेरे बच्चे तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, तुम बारिश की फिक्र मत करो, मेरे पास ये छाता है, तुम ये छाता भी ले जाओ। इसे अपने ऊपर ले लो और अपने बच्चों के लिए भोजन ले जाओ। तुम्हारे बच्चे बहुत भूखे हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज था, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ से आकर ले लेना। मीनू चिड़िया वो छाता अपने ऊपर लेकर खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर घर वापस जाने लगती है। लेकिन वो बेचारी क्या जानती थी कि अभी उसकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि रास्ते में जंगल से गुजरते हुए वही कौवे बैठे हुए थे। अरे वाह कौवा जी, देखो तो हम भीगे बारिश में, और देखो तो वो चिड़िया कैसे छाता लेकर आराम से जा रही है। चलो जल्दी से जाकर उससे वो छाता छीन लेते हैं। अरे हाँ, ये छाता तो बहुत सुंदर है, ज़रा देखो तो कितने ज़्यादा रंग हैं इसमें। ऐसा बोलकर वो मीनू चिड़िया का पीछा करने लगते हैं और जल्दी ही वो मीनू चिड़िया को रास्ते में रोक लेते हैं। जालिम कौओ, पहले तुमने मेरे पति से फल छीन लिए और उनको मारा भी, और अब मुझे भी रोक लिया। क्या चाहते हो तुम दोनों? हमारे बच्चे भूखे हैं, इतने जालिम ना बनो। जुल्म इतना ही करो जितना तुम बाद में सह भी सको, और मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, मुझे ये खाना लेकर जाने दो। ठीक है, तुम ये भोजन अपने बच्चों के लिए ले जाओ, लेकिन ये छाता यहाँ ही रख दो। और फिर मीनू चिड़िया छाता वहीं छोड़ देती है और बच्चों के लिए भोजन लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। मामा, आपने वापस आने में इतनी देर क्यों लगा दी? हम भूख से मर रहे हैं। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा भोजन लेकर आई हूँ, चलो जल्दी से खा लो। टूनी चिड़िया, आखिर इतना ढेर सारा भोजन कहाँ से मिल गया तुम्हें? और फिर टूनी चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है कि कैसे वो तूफानी बारिश से बचने के लिए एक गुफा में चली गई थी, जहाँ उसे एक तोता मिला जिसने उसे इतना सारा भोजन और एक छाता दिया। वो तोता कह रहा था कि उसके पास और भी बहुत सारा भोजन है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम उससे वो चीज़ ले सकते हैं। लेकिन उन जालिम कौओं ने तुम्हारा छाता छीन लिया। छाते की तो खैर है, लेकिन मैं तो डर गई थी कि कहीं वो जालिम कौवे हमारे बच्चों का भोजन फिर से ना छीन लें। अभी वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि अचानक आसमान से एक ज़ोरदार बिजली जंगल में कहीं गिरती है। वो सब डर जाते हैं। मीनू चिड़िया जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है तो जंगल के सब पक्षी कौवे के घोंसले की तरफ ही जा रहे थे। उन जालिम कौओं के घोंसले पर ही आसमानी बिजली गिरी थी और वो आसमानी बिजली लगने से मर गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने से कमज़ोर लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें उसकी सज़ा मिल ही जाती है।